हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तवा, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, आप लोगों का दोस्त। आज मैं एक फिर नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आप सभी को लिए लेकर आया हूँ। ये आप चिनार पार्क क्रॉसिंग देख रहे हैं। चिनार पार्क से आज हम जब विश्व बंगला गेट की तरफ में जाएंगे तो उसके बीच में ही आखंका मोड़ एक क्रॉसिंग पड़ता है। यह प्रॉपर्टी आखंका मोड़ क्रॉसिंग के पास में जो आस्ट्रा टावर है उसी के पास में यह प्रॉपर्टी बन रहा है। G+4 का यह प्रॉपर्टी है, हिडको लैंड में है। और हम आपको उस प्रॉपर्टी पर ले जाते समय में बीच बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन का भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे ताकि उस प्रॉपर्टी का USP आप लोगों को समझ में आए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आप लोगों को आखंगा मोड़ न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं सिटी सेंटर 2 आ गया हूँ, न्यू टाउन में इंटर कर चुका हूँ। चिनाब पार्क के बाद सिटी सेंटर 2 एक बड़ा लैंडमार्क लोकेशन है। सिटी सेंटर 2 से जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, जिस साइट पर जा रहे हैं, यहाँ से काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। वहाँ का नियरेस्ट मॉल ये सिटी सेंटर 2 ही कहलाएगा। तो अब चलते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन। फ्रेंड्स, अब मैं आखंका मोड़ चला आया हूँ। आखंका मोड़ से जब हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो इस तरह आस्ट्रा टावर पड़ता है। आखंका मोड़ के क्रॉसिंग में ही बहुत सारे कार के शोरूम वगैरह है। इस तरफ शोरूम है, ये आखंका मोड़ का चौमाथा है और ये देखिए आखंका मोड़ क्रॉसिंग। मैं और भी नज़दीक से आप लोगों को दिखाता हूँ अलग एंगल से। फ्रेंड्स, ये रहा आखंका मोड़, और आखंका मोड़ से ठीक सामने में देखेंगे आस्ट्रा टावर है जो हिडको लैंड के पास जो हम आए हैं, ठीक इसी के पास में ये टावर बन रहा है, सेंट्रल बिल्डिंग बन रहा है। G+4 का हिडको लैंड अंडर NKDA में एक बिल्डिंग बन रहा है, सेंट्रल बिल्डिंग। ये आस्ट्रा टावर से एकदम बगल में है। और ये रहा सामने में बस स्टैंड, और इसके राइट में ही मेट्रो स्टेशन है। इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा लोकेशन में ये बन रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आस्ट्रा टावर के सामने में खड़े हैं। आस्ट्रा टावर आज के डेट में फुल वर्किंग है। और ये लोकेशन आज ही के डेवलप समय में बहुत डेवलप हो चुका है। इस जगह पर फ्लैट लेना मतलब आपको हर तरह की फैसिलिटी आज के डेट से अवेलेबल है। जैसे आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, बस स्टैंड के लिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। मार्केट भी आपका बगल में ही है, और इस जगह से अगर राइट की तरफ निकल जाएंगे तो आप चिनाब पार्क की तरफ जाएंगे, सीधा निकल जाएंगे तो आप विश्व बंगला गेट की तरफ में जाएंगे, और इस रास्ते से आस्ट्रा टावर से होकर सीधा निकल जाएंगे तो राजा चौमाथा की तरफ में जाएंगे। हमें आस्ट्रा टावर के पास में ही रहना है क्योंकि यहाँ पर एक G+4 का बिल्डिंग हिडको लैंड में बन रहा है जो मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को एग्जैक्ट उसी जगह पर लेकर चलता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर चला आया हूँ। ये देखिए G+4 का ये बिल्डिंग यहाँ पर बनेगा। ये पूरा पूरी 3.25 का ठेका प्लॉट है। हर फ्लोर में 2 फ्लैट होंगे, एक 3 BHK का और एक 1 BHK का। तो 3 BHK आपका 1128 स्क्वायर फुट का होगा, और 1 BHK लगभग 450 के आसपास में होगा। मैं दोनों ही फ्लैट का जो भी एग्जैक्ट साइज होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग प्राइस भी देख लीजिएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी प्राइस होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये एक जगह छोड़ा गया है शॉप के लिए। अब एनकेडीए ने एक रूल बनाया है कि हर बिल्डिंग के नीचे में एक शॉप के लिए जगह बनाना पड़ेगा। ये पार्किंग स्पेस है, ज़्यादा पार्किंग नहीं है, सिर्फ 5 ही पार्किंग है। फर्स्ट प्रेफरेंस 3 BHK वालों को दिया जाएगा, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर 1 BHK को पार्किंग अलॉट किया जा सकता है। ये देखिए लिफ्ट के लिए जगह यहाँ पर छोड़ा गया है। अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर को जाएंगे। इधर से इंट्रेंस होगा 3 BHK के लिए। लगभग 1150 स्क्वायर फीट का ये जगह होगा तो 3 BHK के लिए काफी है। और इधर से एंट्री 1 BHK के लिए होगा, 1 BHK इस तरफ में है। और यहाँ से देखिए आस्ट्रा टावर एकदम दिखाई पड़ रहा है। इसका जो नेम प्लेट है या होर्डिंग बोर्ड जो भी बोलते हैं वो स्पष्ट रूप से बैक से दिखाई पड़ रहा है। बालकनी बनने का जगह इस तरफ में है। हिडको रोड हुआ, इसका लोकेशन बहुत ही शानदार है। जो भी कुछ बोलिए, अगर आप लोकेशन पर आएंगे तो आप भी इस लोकेशन को ना निकाह पाएंगे। इसका लोकेशन इतने अच्छी जगह पर ये प्रॉपर्टी बन रहा है। 2025 मार्च को इसका पोजीशन डेट है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा लोकेशन में फ्लैट है, अगर आप इंड यूज़र हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके कुछ सालों के बाद इसको सेल कर देना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है उस चीज़ के लिए। और अगर आप रेंटल इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपका चिनार पार्क बोलिए, विश्व बंगला गेट बोलिए, उन सबों के बीचों बीच में ये प्रोजेक्ट हो रहा है। आशा टावर ये आप देख ही रहे हैं, अगर आशा टावर में जिनका ऑफिस होगा वो आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। ये सामने में देखिए इतने बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हज़ारों की संख्या में फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि आपके आने का वेट करेगा, यहाँ पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। मार्केट, बाज़ार, हाट सब आसपास में ही खुल चुका है। और राजा हाट का कनेक्शन भी यहाँ से बहुत अच्छा है। विश्व बंगला गेट या फिर सिलिकॉन वैली जो न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में बन रहा है एकदम पास में ही है। इको पार्क एकदम पास में ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेंटल इनकम भी देखें या इंडिविजुअल हो या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, हर एंगल से ये लोकेशन काफ़ी अच्छा है। तो 3rd फ्लोर में एक 3 BHK सेल हो चुका है, जो मैं आप लोग अभी इन्फॉर्म कर दूँ। तो 3 BHK 3rd फ्लोर में मत खोजिएगा, 1st, 2nd और 4th में अवेलेबल है। और 1 BHK अभी हर फ्लोर में अवेलेबल है आज के डेट में। और आज 21 जून
2024 है ये डेट, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है कि हम लोग सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, पर 21 जून के अनुसार से आज एक फ्लैट 3 BHK थर्ड फ्लोर का सोल्ड आउट हो चुका है और बाद बाकी फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैच कर रहा है, आपका फैमिली फ्रेंड्स का भी यदि यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पर सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। ये सेकेंड फ्लोर का भी काम चल रहा है। ये देखिए सेकेंड फ्लोर में लिफ्ट का काम चल रहा है और छत का ढलैया भी हो रहा है। बेस रेट, पार्किंग रेट, सब सारे डिटेल्स ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अब हम उतर रहे हैं। ये देखिए शूटिंग करने के लिए हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है और किन किन जगहों से हम लोग गुजरते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं विश्व बंगला गेट आ गया हूँ और वहाँ से आने में मुझे मात्र 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम लगा। लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है अस्टर टावर से विश्व बंगला गेट, मैक्सिमम 3 से 3.5 मैंने यही गेस किया, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस जगह पर ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग बन रहा है हिडको लैंड अंडर NKDA, वो आपका चिनार पार्क हो या विश्व बंगला गेट हो, इन सब जगहों के मिडल में होने की वजह से उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उसका इम्पोर्टेंस हर एंगल से देखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप किसी भी एंगल में आप देखें, एज ए इंडिविजुअल, एज ए इन्वेस्टर, किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपका रिक्वायरमेंट इस तरह का मैच करता हो, यदि आपको इस तरह का फ्लैट का रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कॉल कीजिए। यूट्यूब में अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।